दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि फेरोज खान ने ऐमन खान और मुनीभट्ट से उनके घर जाकर ऐमन खान और मिनाल खान का नंबर सोशल मीडिया पर लीक करने की वजह से मुनीभट्ट से माफी मांग ली है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि फेरोज खान और मुनीभट्ट ने अपने दरमियान होने वाली लड़ाई को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मुनीभट्ट और फेरोज खान ने सुलह करने के बाद अपने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए क्या पैगाम दिया। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे फेरोज खान और मुनीभट्ट की सुलह के बाद अब फैंस का क्या रिएक्शन है। तमाम तर वीडियो से डिटेल आज की इस वीडियो में आपको साथ शेयर करेंगे कि आखिरकार फेरोज खान ने ऐमन खान का नंबर सोशल मीडिया पर लीक करने की वजह से मुनीभट्ट से माफी मांग ली है। लेकिन दोस्तों वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुनीभट्ट और फेरोज खान के दरमियान काफी अरसे से एक लड़ाई जारी थी, जिसकी वजह यही थी कि फेरोज खान ने ऐमन खान का पर्सनल नंबर और उनके घर का एड्रेस अपने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। और दोस्तों अब दोनों अदाकारों ने अपने दरमियान होने वाले इख्तलाफात को बहुत ही अच्छे अंदाज से हल कर लिया है। दोस्तों आपको बता चलूं कि फेरोज खान ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उनका कहना है कि मेरे और मुनीभट्ट की फैमिली के दरमियान जो भी मामला हुआ है उसको अपने बड़ों की रहनुमाई से हमने यही खत्म करने का फैसला किया है और आइंदा भी एक फैमिली की तरह मिलकर एहतराम और मोहब्बत के साथ रहेंगे। दोस्तों जबकि दूसरी जन मुनीभट्ट ने भी अपने इंस्टा अकाउंट पर फेरोज खान के हवाले से एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उनका कहना है कि मेरी फैमिली और फेरोज खान का जो भी मामला हुआ है उसको अपने बड़ों की रहनुमाई से हमने खत्म करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ मुनीभट्ट का यही कहना था कि आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई बात ना हो। इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि फेरोज खान ने शोबिज इंडस्ट्री से इस बात के लिए माफी भी मांग ली है कि उन्होंने उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसकी वजह से अदाकाराओं की काफी ज्यादा प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई थी। मुनीभट्ट ने भी अपने फैंस से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की है कि फेरोज खान और सईद अली से उनके दोनों का फैसला कोर्ट ही करेगी, हमें अलीजे और फेरोज के केस पर कमेंट करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये इन दोनों का अपना प्राइवेट मसला है। इसके साथ साथ मुनीभट्ट का कहना था कि हमारी आपस की तमाम रंजिशें खत्म हो गई हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।